लेना चाहिए। तो ऐसा है शंकर भगवान रूपी आवलो बस दक्ष प्रजापति अरे अरे जो कि देवताओं का स्वामी है, दक्ष प्रजापति रे साठ कन्या ही, अरे अरे जिन्हें मो एक कन्या भगवान शिव ने प्रणाई जिन्हों नाम सती हो। तो पार्वती जी पूर्व जन्म में दक्ष कन्या सती जी हा, अरे अरे। और बाद में दूसरे जन्म में पार्वती जी नाम सुन ओळखी जा। तो देखो एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश सही 33 कोटि देवता अनेक ऋषि मुनि एक मंडप में बैठा हा, अरे अरे। और अठीने दक्ष प्रजापति बट पधारिया शंकर भगवान रे हो जी हैंग देवताओं रो स्वामी होने रे नाते उठ खड़ा उपरान अभिवादन कियो बाप जी ने, पण भगवान शिव कहीं ध्यान में होता अरे अरे। और उठ परा नमस्कार प्रणाम नहीं करियो, नहीं किया। दक्ष प्रजापति ने भारी क्रोध जागियो, अरे अरे। सुर 33 खड़ा उपरान मेरा अभिवादन कर रिया है और एक मसौनियो जोगी जिनसो मेरो हाजो को नमस्कार प्रणाम नहीं करना अहंकार में घमंड में बैठो, उन टाइम स्वामी प्रजापति जी थोड़ो क्रोध आ जावे और कई में ब्रह्मा जी रे कहने अरे अरे। मेरी बेटी मसौनी जोगी ने देपरी मेरे जमारो हारियो है, इन कारण आज उपरण करूं के कठे भी कोई यज्ञ हुआ तो देवी देवता नाम री आहुति लागे, बट मसौनी जोगी री यानी महादेव जी नाम री आहुति नहीं लागेला, यानी बार कोई तरह रो बारो भाग नहीं मिलेगा। उन टैन में 33 कोटि देवता यानी ब्रह्मा विष्णु महेश सही सुर 33 बट इकट्ठा हा, पण कोणी इन बात रो जवाब नहीं दियो के भगवान महादेव जी बिना कोई यज्ञ संपूर्ण नहीं हुए, कोई नहीं बोलिया। उन टाइम भगवान शिव जी की सवारी नंदेश्वर नदियो नंदियो खड़ो हुए और कह के देखो सुर 33 आटे बैठा हा, अरे अरे। और दक्ष प्रजापति जी भगवान महादेव जी ने किता हल्का बोलिया और एक न्याय है नंदीश्वर देखो श्राप दे है ब्राह्मणों नहीं क्योंकि स्वामी दक्ष प्रजापति जी ब्राह्मण हा, क्या जाओ आप आज आगे ब्राह्मण धर्म ब्राह्मण आप धर्म मात्र नहीं हाल सकेला, जिंदो ही मात्र गल में राखेला बाकी ब्राह्मण धर्म में भूल जावला, सिर्फ टीपना बासी और सारा हर प्रकार और दौन लान आप घर में खाई बाकी बन मोए ब्राह्मण धर्म रे मर्ग मत बहु नहीं हल जे नान ये रो श्राप सुन स्वामी दक्ष प्रजापति जी रो क्रोध और दुगुण हो गयो। अरे अरे महाराज दक्ष प्रजापति जी कहे के जाओ मैं शिव भक्तों ने श्राप दू, अरे अरे। के बबूतियों राखी गले में रुद्राक्ष माला राखी बाकी मेरी भक्ति नहीं कर सके लाभ, इन प्रकारों देखो एक दूसरे ने श्राप दे दे। अरे अरे। अब दक्ष प्रजापति मन में भारी क्रोध की कटे यज्ञ में शिव जी ने नाम रे आहुति नहीं दे पुराण बोले पास अपमानित करना, उन टाइम आप रे गिरी यज्ञ यज्ञ रसावे सभी सुर 33 ने निमंत्रण दे, कई ऋषि मुनि देवी देवता आप अपने आसन मा सड़पुरा आकाश मार्गो देखो विमान सहित दक्ष प्रजापति रे यज्ञ मंडप रे पुगन लागा कैलाश भाकर माते भगवान शंभु और दक्ष कन्या सती जी बैठा, सती जी बैठा बैठा भगवान शिव जी ने कहे महाप्रभु हैंग देवी देवता लोग ऋषि मुनि आप अपने विमान ले प्राण किन ठोड़ जा रिया है, भगवान शिव जी कहे सती ए तेरे पापा रे घरे कोई यज्ञ है यज्ञ मंडप में जा रिया है, सती जी कहे नहीं सर मेरे पापा जी के लिए यज्ञ हो तो हंगो पहले हम पर निमंत्रण आवत, उन टाइम भगवान महादेव जी के सती मन ने अपमानित करने वास्ते मन ने यज्ञ उम्बारे रखने वास्ते ही आप घरे यज्ञ रसाए और सभी देवी देवताओं ने बटे यज्ञ मंडप में बुलाया है, इन कारण मेरी नाराज पने कारण मन नहीं बुलाया, सती जी कहे महाराज मन आप आज्ञा दो और मुंह जाऊ बठे, भगवान महादेव जी के सती तू मत जा बिना मन मनवार नहीं जानो, दूसरी बात बट मेरे नाम रो कोई आहुति नहीं लागेला कोई बटे आसन खाली नहीं रहला, उन टाइम मेरो अपमान तन सहन नहीं वेला और बटे थोड़ी घनी हली थोड़ी हो जाई इन कारण नहीं जानो, तो देखो सती हट कर ले
बोलो ही करे बाप रे गिरे बेटी अगर मिना निमंत्रण जावे तो बिन में कोई कहवा नहीं है कोई भंडगुला के भगवान महादेव जी के भाई तेरी इच्छा है जा तो सती जी बट फूगे बोले फूगे पूरो मंडप रसोड़ो अरे अरे सभी देवी देवता आप बाप रे आसन माते विराजित बैठा है और 10 प्रजापति और मोरी रोणी सहित गुण 60 कन्याओं बट खड़ी है। ओहो सती जी जान बट फूगी अरे अरे तो कोई भी दक्ष जी रे कोप रे कारण सती जी नजर नजर नहीं मिले और देवी देवता और नौमरी यज्ञ में आहुतियों लागन लागी। अरे बिन टाइम भगवान शिव जी नौमरी आहुति नहीं लगी नहीं लागी सती जी ने क्रोध आवे और कह भाई ब्रह्मा जी विष्णु भगवान सहित अनेक ऋषि मुनि देवी देवता अट बैठा हो बैठा और भगवान शिव जी की कृपा बनो यज्ञ पूर्व तो हो जाए उन टाइम कोई बोलियो को नहीं यक्ष जी रे कोप रे करनो उन टाइम सती जी ने क्रोध आवे और भी अग्नि कुंड में सती कूद जावे अग्नि कुंड में सती बलन भस्म हो शिव जी रागण बटे खड़ा हा जान भगवान शिव जी ने समाचार दे के आप री अपमान सहन नहीं कर सकी सती और आप रे पिताजी रे यज्ञ रे मोय आप है जो को आप अग्न कुंड में कूद आप रही लीला समाप्त कर दी। भगवान शिव ने भारी क्रोध आवे और तीसरो नेत्र भड़कन लागो लीला आड़े में एक तिलक टाइप है वो एक तिलक नहीं है भगवान शिव रो तीसरो नेत्र है तीजी आंख है घनो क्रोध आवे जब आंख खुलिया करे और अगर आंख पूरी तरह खुल जावे तो ब्रह्मा जी की रसोई सृष्टि भस्म हो जावे ये तो बिन आंख में पावर तो तीसरो नेत्र भड़का कर लागो आपरी जटा में एक बाल तोड़े कैलाश भाकर सामने एक भाकर माते फेंके भी बाल नहीं जिन सु भाकर दो टुकड़ा हो जावे हाँ भाकर एक भाग रहे मोए भद्र काली और दूसरे भाग रहे मोए वीर भद्र भैरू प्रकट हुए तो बिन टाइम ने मोए महाकाल का आपरा 64 रूप धारण किया काल एक अंकाल एक अन्यानी कपाली देवेश्वरी सुरेश्वरी ईश्वरी परमेश्वरी जगदम्बा मांबा 20 भुजा धारी सिंगड़े असवारी एक चंडीरो रूप धारियो बड़ो विकराल रूप और चार जो जनरी भोरे मा एक महाकाल का जीव लपर कर ले यानी चार कोस रो एक योजन हुए चार योजन यानी 16 कोस री भोरे मो होले 48 किलोमीटर भोरे मो जीविया लपर कर ले हाँ अठिन वीर भद्र जिन्होंने आपरा 52 रूप धरिया और 52 भैरू रे नाम से जगत में ओळखी जे इन प्रकारों मां शक्ति कालका और वीर भद्र यानी 52 भैरू ए आपरा रूप धार प्राण बाप जी आगे हाजिर हुए के महाराज के हुक्म है उन टाइम भगवान शिव जी के जाओ 10 प्रजापति ने यज्ञ नष्ट करा दो अरे अरे और जिता भी बटे देवता है मेरे आहुति रे बिना में यज्ञ संपूर्ण करना सावे अब याडो आप री हिम्मत की भी तो बन थोड़ो सबक सिखाओ क्या शिव जी रे बिना यज्ञ करे जो दी होया करे अरे अरे भगवान शिव कनो आज्ञा ले भद्र काली और वीर भद्र 52 भैरू और 64 जोगण बटो रवन हवे और यज्ञ मंडप में पहुंच जावे और जाता ही विकराल रूप धार पुराण बटे देवताओं रो खेखाल करने लगी आकालकारी जिबिया देवताओं ने लपेटे में ले लेना चाटन लगी बड़ो खेखाल रूप विकराल रूप धारियो देवी देवता ना भाग पुराण भाकरो में छिपन कटी आप रो जीव बचाने लगा और अठिने भगवान कैलाश पति भी लार लार पहुंच जावे जाता ही आप त्रिशूल सु आप रे होरे जी दक्ष स्वामी दक्ष प्रजापति रो शीश उड़ा दे बोले उड़ायो सा जो ही शीश धड़ू अलग होयो अरे अरे भी अग्न कुंड में जान शीश पड़े और भी अग्न री अग्नि कुंड री यज्ञ री अब मो आप रे होरे जी दक्ष प्रजापति रो शीश भी जलन भस्म होए अरे अरे पूरा देवी देवता ब्रह्मा जी भगवान वैकुंठ नाथ जी विष्णु भगवान अनेक ऋषि मुनि सुर 3300 देवता नतमस्तक हो प्राण बाप जी ने प्रार्थना करे के हे प्रभु हे देव हो आप महादेव हो और आप रे बिना मैं अठे आप यज्ञशाला में पहुंच प्राण बड़ो भरी गलती की भी जिन्हों फल मने मिल गयो और अब मने माफ करो आप रो क्रोध शांत करो प्रभु इन प्रकार वो हैंग देवी देवता विनती सुन
और भगवान शिव आपरी क्रोध शांत करे। उन टाइम हैंग देवता एक स्वर में कहने लगा महाराज और स्वामी दक्ष प्रजापति रो यज्ञ आपने संपूर्ण करना पड़ी। भगवान शिव जी कहे भाई अरे अरे दक्ष प्रजापति रो शेष तो यज्ञ कुंड में बढ़ गयो हो, अब स्वामी वो यज्ञ संपूर्ण जद हुए। अरे अरे के दक्ष प्रजापति जी बैठा हुए और आप रे हाथ में आउती अंदरा परी नो यज्ञ पूरु करे। उन टाइम में भगवान शिव हुक्म करे जाओ उत्तर दिशा में आपने कोई जानवर मिल जावे तो मैं शीश काट ले आओ तकसीर जोड़ दो। उन टाइम बाप जी हुक्म होने पर जावे और एक बकरो उबो बकरे शीश काट प्राण ले नवे। भगवान शिव धड़ू वो शीश ने जोड़े अमीर छोटो नौखे कृपा दृष्टि में देखे बिन टाइम स्वामी दक्ष प्रजापति जी एकदम उठ खड़ा हुआ बैठा हो जावे और आप रे हाथों दक्ष प्रजापति जी रे हाथों वो यज्ञ पूरु करावे। तो आज भी स्वामी दक्ष प्रजापति रे धड़ रे माथे बकरे रो शीश लागड़ो क्योंकि भगवान शिव वो शीश उडापुर नगन कुंड में खत्म हो गया उन टाइम बकरे रो शीश जोड़ पुरान पास बैठक किया। आज भी कठई आप स्वामी दक्ष प्रजापति रो चित्र फोटो देखो तस्वीर देखो तो शीश बकरे रो लगड़ो है। इन प्रकार वही सती दक्ष प्रजापति रे पिताजी रे यज्ञ रे में खत्म हुई थी। पाथी हिमाचल घिरे पार्वती के रूप में प्रकट हुए। भगवान शिव पासा कैलाश भाकर माते आपरान विराजित हो गया। घनो टाइम बीतियो एक बार ब्रह्म ऋषि नारद जी नारायण नारायण जपता जपता कैलाश भाकर आवे। आप राम के महाराज गणी ऊंचो आयो क्या भगवान शिव जी द्वार मत गया भोजन प्रसाद मिली माता सती जी कटे। देखो मेनू नारद जी कोई बात सुनी नहीं फिर भी बाप जी ने पूछे है बिन टाइम भगवान शिव जी के भाई सती तो आप पिताजी ने यज्ञ कुंड में खत्म हो गई ही और कटे जान मरती लोक में जन्म लिए वाला इन कारण तू ठीक आयो नारद कौम जाओ तीन लोग रमो सती ने कटे जट ढूंढ वो कटे जन्म दिए वाला पतो करना और हाथ याद मेरे हवेरा नारियल लेना जिन सो प्याव करूं पतो। नारद जी कह रहे देखो आयो तो बाप जी रा दर्शन हारु हो बाबे तो पोड़ियो ही और आगे मोटी साकरी बढ़ा दी। तो नारद जी भगवान कैलाश पति आगे नतमस्तक हो और देखो सती की खोज में ढले ब्रह्म ऋषि नारद। तो नारद जी मन विचार करे सात दीप और नव खंडो में कटे खोज तो फिर ला सीधा विदाता माजी द्वारा भाई बे माता रे और बे माता ने आन के दक्ष कन्या सती जी कटे प्रकट हुआ है उन्ना जन्म मरना खाता खोलो। विदाता माजी के नारद जी तीन लोग रे जीवन जन्म और मरना खाता मेरे कन है पर सती जी रो खाता मो कठी नाम नहीं है फिर भी वो अंतरदृष्टि ध्यान धरू और थोड़ा आइडियो बताऊ कि आप मृत्यु लोक में हिमाचल राजा घेरे सती प्रकट हुई है जन्म लियो है और नाम इमियो गवर्दा यानी गिरिजा यानी पार्वती जी नाम सुनवा बट ओलखी जी है इन कारण जाओ हिमाचल जापुरान पिन खोज करना हो। तो नारद जी देखो बीनरी तार हाथ में लिवड़ा नारायण नारायण जपता जपता सीधा ही आप है जो को हिमाचल गया है हिमाचल द्वार गया है। तो नारद जी बटे पधारते ही बटे पहुंचते ही राजा हिमाचल और मोरी रोनी हमे दौड़े रेजा बिछावे हाथोरा बिछावना करे और कहे मारो मोटो भाग जिन सु महामनी ब्रह्म ऋषि नारद जी बटे प्रधान होयो मारो अट है जो को हरो आंगनो पवित्र कियो हरे राज महल ने पवित्र कर दियो यानी हमारी उज्जैन नगरी ने अटका दी। बाप जी ब्रह्म ऋषि नारद जी घनी सेवा साकरी वे और हले पूछे हिमाचल राजा के हो महाराज आज आप रुखियो पधारणो हो उन टाइम नारद जी के हुई कोई यूं ही आ गयो के कहीं कहीं तो कौम आयो अल बाकी यूं ही थे नहीं हो उन टाइम के आपरे नैनी एक बाया है आई मियो पार्वती
इन्हें हगा ही हकपन वास्ते आयो। उन टाइम मैं देखो राजा हिमाचल के धन्य भाग मारो जो ब्रह्म ऋषि नारदी रे हाथों मारी बाईरी हगई वे पण महाराज थे हगे कठे करोला छोरो कहीं पढ़ियो लिखियो वे कहीं नौकरी करतो वे थोड़ी घनी कहीं मां बुद्धि वे वेड़ी ठोड़ कर जो कहीं ठिकोणो हावड़ देख जो। नारदी मन ही मन ने विचार करे ठिकोणे रो तो घाटो ही कोनी अमार नाम लियो तो थोनी जा पाई। उन टाइम नारजी कह नहीं नहीं ठिकोड़ा उन मोटो तो कोई तीन लोक में ही कौन। उन टाइम ओले पूछे महाराज तो बताई दो कनी मारी भाई लाडली इमियो पार्वती रह गई आप कठे करोला। उन टाइम मौके के मैं हाथ कहूं तो महाराज आप नाराज जवला और झूठ कहो नहीं जाए झूठ थोने कह नहीं सकूं इमियो पुत्री आपरी देव शंकर ने परनाए आपरी लाडली इमियो भगवान तिलो की नाथ शिव जी ने पढ़ाए दो। उन टाइम में एडी रिझाल छोटी छड़ है राजा हिमाचल के इन देखो इन नारदरी मौत आई कितनी इन सेवा साखरी की कि नहीं तो आबादर की हो इज्जत की भी और आखिर जान गयो कि आपरी बेटी भी मसौनी जोगी ने पढ़ाओ मेरी बेटी हीरो समान और कट है वो मसौनी जोगी जो को उनने बराबर मारी बेटी भी ने पढ़ाओ। महाराज ने दो तीन एक धक्का दिया खड़ियो बटाई पड़ियो नीचो तंदूरे तारा टूट गई और बैक निकलिया देखो कौकड़ तक अब उटालिया रवन हो नारद मुनि और सीधो ही भगवान शिव रे कने देखो कमलासर पर्वत आवे है कैलाश भगर माते पुगियो भगवान शंकर कमलासर पर्वत माते बैठा नारद जी ने थोड़ो तेज गति में आप तो देखियो। महाराज मन में जोड़ियो खातो घुणा आवे हवा ही लेना है हाँ उन टाइम के मो देखो भगवान शिव हमें जावे और राजी ओड़ा ना सजे आज मेरो नारद हवो लेना है। पूछे नारद जी कितने दिनों रो हवो ले और कठे एमियो नहीं सती जी जन्म लियो कठे प्रगट हुई बोए नौन बता और ब्याह कितने दिनों रो है। नारद जी के होयोडो है कात मुंडो देखो हम दे ब्याह करने लायक हो शंकर भगवान के अड़ो की बात है। उन टाइम नारद जी के महाराज सती जी उज्जैन नगर नरेश हिमाचल ले गिर जन्म लियो पार्वती जी नाम सु पहचानी जे बट जान मु पुगियो तो मेरी घनी सेवा साकरी हुई आवादर हुयो और पते आप रो नाम लियो उन टाइम मेरे लातों ही पड़ी देखो ही पड़ी और तंदूर री तारो टूट गई मिणिया माला रा मिणिया बठी बिखर गया और कोंकड़ तक तो हूं बह कयो। शंकर भगवान कह रहे थे मेरो नाम दो लियो नारद जी के बाप जी थारो नाम लियो जो मेरे फटा पड़ी पड़ी बाकी तो पहला मेरो आवाजर हो उन टाइम मैं भगवान शंभू ने देखो क्रोध आवे आज मेरे हगई रे वास्ते नारद मुनि ने जो अपमान कियो बटन धक्का दिया और बाप जी देखो पंचाणु संघ पूरे है जिन सु पूरी धुन तिर लोक रे मो भरन लगी सब देवी देवता चौक न होया। आज भगवान कैलाशपति कैलाश भाकर मान बैठोड़ा क्यों याद करे है पूरा आपावरा विमान लेपरा कैलाश भाकर दौड़ा जा प्राण बट पहुंचे बाप जी ने नमस्कार प्रणाम कर्म के महाराज के हुक्म है के आदेश है आप लोग उन टाइम में भगवान शंकर कह जिता भी जीव जंत देवी देवता छोड़ प्राण कई जीव जंत हाव पर डॉम भी जती जा अनेको जिता भी हाजा का हैंग बटे इकट्ठा हो जावे करी कई जहरीला भयंकर जानवर बड़े प्रकट हुआ और काली कबडाली बट फूगी तो देखो बाप जी कने कड़ा कड़ा हाप कोई खंसे है पियाल लोक माऊ काला काबरा बोगा बोंडा भैंसा डूमी भैपुड़ी ताक ताकलिया गोरैया घोड़ा पिंगला टेरना पैना ना कंगेल पदम उदीरना विश विशेला विसर वाला यानी काली कपडाली ए किरण बटीली ए गोरैया और कालुड़ो नाग हजार फण कीड़ो सैंस फण और वसंग बट खंसिया देखो बाप जी रोत मत
बाप जी देवी देवता ने कहा थे अठे ही बैठो और जिता भी बैठ जगह सर्प हा बिच्छू हा और नवकुड़ी नागरा जगह अनेक प्रकार जगह वे वासंग हा। पने बाप जी हुक्म करे जाओ उज्जैन नगर में जापरान सभी को दंड दो मौते पग नीचे दे बिन फट इंजेक्शन लगा दो उन्हें प्यारे माए बाकी दी दल फौज रवन हुई। नारद मुनि हाथ जोड़न के महाराज भगवान शिव जी ने कहे ए मोटा मोटा भयंकर ए जानवर ए डाड़ा काला काबरा बोगा बोंडा ए कालूड़ा नाग बट दही दिना तो कीड़ी नहीं को छोड़े मेरे सेंग सफाई करी इन कानू आप अन रोक दो क्योंकि गलती एक राजा हिमाचल की भी और पूरी नगरी ने दंड मिली इन कारण आप अन रोको और एक बिछुड़ी बिछुड़ी मेल दबा भाई गणई हो हाँ। तो इन प्रकार देखो भगवान शिव जी बोने हेंगवाने बट रोके एक बिशु और फौज ले पर नारद जी ने हाथ में ले जाओ और उज्जैन नगर मन ले जान खुला कर। नारद जी देखो वो बिशु और फौज ले उज्जैन नगरी पुगे विश्वरी फौजों बैठे खुली की भी मौते पग नीचे दे बिने ऑटोमेटिक इंजेक्शन लागन लगो बटीर बोले चारों तरफ हाकार मच गयो और उज्जैन ने ओली दोली आगेरी बाढ़ कर दी बागन जावे तो दोली आगेरी जा बाढ़ होयड़ी मौ वे बिछु खावे पूरी उज्जैन नगरी में त्राही त्राही मच गई हैंग लोग भिड़ा उपरान महाराज उज्जैन नरेश हिमाचल द्वार जावे और जान के महाराज आप भगवान शंकर जी ने ब्याह रे वास्ते नारद जी ने मना किया और अब शिव जी कोप कियो है और अठे विश्व और फौजों भेजी है माते हम पग दे जगह रही बटीट बोले है उन टाइम में उज्जैन नरेश हिमाचल जी बने विचार करे बात हासी है और वो तिल्लो की नाथ है भगवान शिव उनने कोप की उड़ो ना भी पूग नहीं सको और आप जोशी ने बुलावे है और एक होने रूपे उन देखो नारियल मंडव है भगवान शिव रे वास्ते है उन टाइम एक बार रोनी ने पूछने वास्ते जावे राजा हिमाचल जान के अपनी डावड़ी इनमियो पार्वती टू हगई वास्ते नारियल कैलाश भाकर माते भगवान शंकर ने भेजू हूँ रोनी कह थारो यो क्यों फूटो आ हीरो समान अपनी बाया और वो समसोनियो जोगी वो तो आज मरूं के काल मरूं ज्यो ओडो है पन्नी जने कहीं महीने फिर उसे हाओ भेज देने बड़ो करियो मर्जी और छोरी रखियो अतले पर पाप लगाओ लगाओ हो बिन टाइम हिमाचल के तन इन बात रो ध्याग था नहीं है बड़ी है वो जोगी अजर अमर है कभी मन वालो दिलमन वालो नहीं है उन टाइम में मैं बारौनी कह मारी बेटी तो मुंह पर ना नहीं बीन जोगी नहीं उन टाइम में मैं राजा हिमाचल कह तेरे कोई पिछू एक आदो छिपियो को नहीं बाकी छिपियो वाल तू मत ही कर दाल के बिन वेगो नारियल मिलो इन प्रकार देखो रोनी और राजा हिमाचल पूरी बा नगरी उज्जैन नगर लोग भगवान महादेव जी आगे आराधना करे प्रभु आप रे सागे गलती की नहीं जगह माफ कराओ और हमें नारद जी ने और नारियल जी लाऊं इसको उन त्यान माए बा भगवान शिव जी आप री फौजों पासी भेजे पासी बुलावे और वो होने रूपे मंडोरो नारियल एक जोशी ने बुलावे और नारियल ले जा प्रोन कबलासर पर्वत कैलाश भगर मादे भगवान शिव जी ने दे नावर महाराज के भाई मैं कैलाश कभी देखी नहीं मेरे बाप देखी नहीं मेरे दादे देखी नहीं मेरे पड़दादे देखी नहीं मेरे अकड़ दादे देखी नहीं लकड़ दादे देखी नहीं कैलाश कौन जावेला मु तो कठे बावड़ी में डूबन जान मरू बाकी कठे पड़ियो कैला कवला सर भाकर और कदू पुगू उन ध्यान में पार्वती जी मन विचार करे कटे महाराज ऊंधी होज प्राण बावड़ी में नहीं पड़ जावे आपका ने बुलावे के महाराज थे कटी दूजी जगह जाइजो मती बावड़ी में पड़ जो मती सीधा कैलाश भगत जाइजो और भगवान मां दे जी नो लेकिन और नारियल दे नो
और महाराज के भाई रा देखो लखनी अड़ाई कोई मोटो रावलो देखन देता भी समसोनी जोगी कन तू जाबरिन की हुक देखी। अरे अरे उन टाइम ने माए पार्वती जी के बाप महाराज अबे उन जोगी ने थे जोनो को नहीं बसाबा बहुत जोगी अजर अमर है बसाबा कोई मरण वालो नहीं है जलमन वालो नहीं है। अरे अरे और इन तीन लोग रो नाथ है बसाबा इन प्रकार महाराज ने कैपरा नठो भेजे। अरे अरे और सती जी मन ही मन भगवान ने याद करे प्रभु अरे अरे किणी भेजियो मेरे हावरो लिखनारो नारेल महादेव जी तक ही भेजियो। इन प्रकारों वो महाराज लिखनारा नारेल लेपरान करे जावे जान बामणी ने कह मैं तो करोड़ो भर दियो लिखनारा नारेल कैलाश भाकर जानो है लेपरोन। अब कैलाश कदी आगे देखियो को नी इन कारण रात रात अटे हो दिन उगते ही बावड़ी में पड़न मर जाऊं क्योंकि नहीं जाऊं तो राजा हिमाचल मन मरा दे। ये तो बात रो लेखो कर और जोशी जी देखो खा रोटी पानी जी बेड़ू वेड़ू कर प्रांत गिरी पड़ जावे और बाद टाइम में 4:00 आपरी आँख खुले और आप कैलाश भाकर मत बैठ ऑटोमेटिक देखो भगवान शिव रा गण आवे और जोशी जी ने बैठो लेन जाओ परा। महाराज मन विचार करे कैलाश भाकर मत जगह जगह बे धुनियो धोके और शहरों तरफ नारायण नारायण दा जाप जपी जे कई लाखों की तादाद रे मुंबई जोगी देखो बटमाला फेरे फेरे तो रवाना होते टाइम पार्वती जी जोशी जी ने कहो भी हो के बट कई तरह का जोगी है कई बाबा बैठा है थे कटी बीजन दियावला नारेल भगवान महादेव जी ने देना है और महादेव जी थोने हंडो नहीं बताऊ क्या एक तो बाप जी रो धुनो री धुओं हमें पवन छड़े और एक गले रे मो कालो बासन सोए एक माथे रे मुकुट रे मो गंगा जी 2400 घंटा बहती रहे उन जोगी ने उन बाबे ने नारे लिखना नारे दीजो। तो वो महाराज मन ने विचार करे बेटा अब धूत बाबा बैठा है पाछ फूगू नहीं फूगू डाकी आज खाजी पर मन ने विचार करे आई गयो तो पतो तो कर लो महादेव जी कठे है घूमते फिरते ने बेहद मिलिया भी अवधूते जोगी रो धुनो जिनो धुओं हमें पवन छड़े हो और गले रे मोए कालो वासन सोए हो यानी हजारों फन कीड़ो शेष नाग बैठो हो माते मुकुट रे मऊ गंगारी धारा बह ही बाप जी ने नमस्कार प्रणाम कर जोशी जी बैठा बैन टाइम डोकरियो पल खोले और कह महाराज कठो आया उन टाइम के उज्जैन नगरी राजा हिमाचल द्वार माते आयो हूँ और अट कैलाश भगर माते भगवान शिव जी रोहावल लेन आयो भगवान महादेव जी राजी होया उबा उपरांदी खुशी में नाचन डूगा के मेरो ब्याह आयो नाचता नाचता ने बा आसने माते बा राग उड़ाई महाराज एक बार दी तई डे गया बानी पूरे ढक दिया और नाचता नाचता हेटा बैठा हमें लाओ महाराज ने कहा नारेल कितने दिनों रो है थोड़े हवो महाराज मन में विचार कियो अरे। और डोगरी आज रा को मन बूर दियो और जीव तो जो ला कोन पत फिर भी बेलग नारा नारेल भगवान शिव ने हुपे और रवन ने होते टैन मौके महाराज 6 महीनों रो आबर वास्ते हवो है 6 महीनों पंडित पंडित जी ने प्रधान हो उन टाइम महाराज कह कहीं ही एक दो बस वही रवन हो तो कैलाश भाकरे माते भाटा गणे पड़िया एक मोटी गोंटड़ी बंदी भाटारी और महाराज ने उसे ही लो ले जो महाराज आप रे 3 पीढ़ी रे दुख दर्द दूर होती महाराज मैंने विचार करे ओ बाल तो ले जो दुख दर्द दूर हो ही है पर नहीं ले जो तो डाकी के ठोक हाका करी दोरी होजी बाबटो गोंटड़ी उठाई थोड़ा सेठी गया जन भाटा बटे नोक दिया एक नैनो दो एक काकरिया भिड़ा लिया रहा के उजैन नरेश हिमाचल जी ने कहूं के थारे पावना मन एड़ो जोग हीक दिए एन बड़े थे तुम्हारी बेटी बट पर नहीं एता लेपरा और पासा बटो रवान है कटे कैलाश भाकर कटे मरचू लोग में उजैन नगरी बैतो बैतो डोगरी महाराज थक जावे बिन टाइम मोई बट पर हो जावे और महाराज री नींद आवे देखो आंख खोले बिन टाइम आप रे उजैन नगर में आप घर द्वार में बैठो है
मन में ही घणो खुशी हुयो क्या देखो आज मेरा प्राण उबर गया। दूसरे दिन उगे उजैन नरेश हिमाचल रे मेल रे मोजा प्रोन हाजिर हुए महाराज हाजिर हुए। उजैन नरेश हिमाचल के ओ महाराज अजी अठे उबाओ नारियल लेन पसे कद चला। महाराज के राजन नारियल कैलाश भाकर दे नायरो। अरे कोई कैलाश भाकर कोई नेड़ो थोड़ो ही है जो को अभी थी जेजु पास आई गया उन तैयार में आपने याद आवे भाई है नोनी लेना यहाँ बो भाटोरी खड़ी है मो कार्ड पर इंदिनी लो महाराज है थोड़े पौनो मां दे दिया है नोनी दिए बिंदे वो भाटोरी जी गया हवा हवा लाख रहा हीरा हो गया। उन टाइम राजा ने विश्वास आ गयो जरूर कैलाश माते महाराज जान आयो बाकी इनका हीरा कटे है खड़ी हुई फाटड़ो है। उन तैयार में देखो व्यावरी तैयारी होवे और अठीने शंभू मन विचार करे हाल तो घणो दिन पड़िया छह महीने पड़िया है बैठो के करूं राजू गाल दिन ही पता नहीं है तो पल खोल जो को सावड़ आवल देना जगह ने बुला दे और दूस दिन जॉन सार दे उनका नु आप खड़ी हो वो हाँ तो मेल दे मुकुट में गाल दे और आप देखो समाधि ध्यान में बबली बैठ जावे और जो ही बस महीना पूरा वे हाँ वो जिन दिन पन्नी जन हो 19 दिन लोग रोन जागे और मन में याद आवे रे बो हवो कटे लारे रे जी जातो रहला और पन्नी जन मन में रे जी मुकट रे मो हवो निकाले हवो देखे बिंटे 19 दिन रो आप रा फेरा हा तो फिर ये कह रे गजब हो गया आज नहीं देखे वार दिना तो कमर ही रहतो उन टाइम डोकरियो 95 संग पूरे है और उन पहला देखो संघ बजाने में पहला नौ दिए ने याद कर के नंदीश्वर हमें तेरे बलम बलो है उज्जैन नगरी आदनों में फेरा खान वास्ते पन्नी जन वास्ते इन करो जवानियों करो पड़कंदियों करो कड़कंदियों करो सखा करो भाई करो हगो गिनायत करो बेली करो जो भी प्रकार जोनी होनी जो भी है जो कम तो ये बाकी मेरे का कुटुंब कबीलो नौ दिए मत तो उनके बाबा बेवड़ा बेवड़ा पन्नी जो है मेरा तो हगा ही रही पतो कौन भगवान महादेव जी के नौ दिया ओ हम कह तो मेरे ब्याह तू कर दे इन पास तेरे हगाई बटे आओ तू कर नहीं आओ तो देखो बाप जी बैठे बैठे विचार करे किन्ने बुलाओ रे देवता ने के काम है हाव ये खर्चो करनो बेन टाइम डोकरी किन्ने बुलाए को हंगड़ो पास मेल दियो और नौ दिए माता देखो डोकरी के झूलो रड़ा है और आप श्रृंगार कर प्रो या मुकुट रे मोहि मणधारी नाग ने सजायो तो देखो आप जी कड़ो रूप धारे है ईश्वर अरब कमर में कसियो न पहली नी मृत काल मणधारी रो मुकुट बोंदियो न सुर 33 सं सेवरे लार 64 जोगण मंगल गावे नाल दे साल बीन बजाए इन प्रकार नु देखो अब धूतो जोगी नांदी रे माते झूलो राल पड़ी नंदीश्वर सवार होए है नांदी आकाश मार्ग में उड़ान भरी पैदा पैदा डोक रुक रुक ना दिया रुक इन हिसाब तू फुगा कोई मन इन हिसाब कला टाइम भूगो ना कोनी हाउ सूख दी मन नहीं तो उधार नसो कर दे तो देखो बाप जी अमल धतुरा ए भंगो आकड़ा डोडा जो भी आप रो नसो हो अब धूत बाप जी जोगीराज नसो कियो और नौ दिन के नौ दिया तेरे मन में खोट तू मन में कमर राख सोए मने इन कारण तू मेरे मत बैठ जो हूं तन टाइम मत पगो नहीं तू मन कमर राख दे नांदियो के बाबा मैंने गजरो करी कह करो बाप जी देखो बलत ने माते ऊंचे पण भगवान शिव जी हट कर ले नांदिये ने खाए माते सड़े और डोकरियो देखो अटे उड़ान भरे है तो घड़ी एक टाइम रे मन डोकरियो आप फूकी उज्जैन नगरी उज्जैन धगे जावन डुकान बेन टाइम बाप जी के वाले अरे नांदिया और कैडी सिटी आई है कोई अहमदाबाद है कोलकाता है बॉम्बई है मतलब इन हिसाब उन लाइटों घनी की कर लगुड़ी है कैडी सिटी आएगी नांदियो के बाप जी रुको रुको उज्जैन नगरी है और आप ससुराल आ गयो है ए लाइट ऑन बिजी रंग बिरंगी जो लाइट ऑन लगड़ी है वो आप ससुराल है उज्जैन नरेश हिमाचलो द्वार है इनका नु आप ब्यावरा तोरण लगुड़ा है ठीक है भगवान शिव जी के हमारा आगा जाता रहता रहे
तो 509 दिए मातम आप नीचे 9 दिए नीचे होता रहे। होगा और डोगरो ही खुशी रे मौके मेरे ससुराल नड़ो ही जे बट बाबलियो नसे पता हूँ धूत हो परो और अब धूत हो जोगी बट नाचन ढूक गयो। अरे अटे मैं देखो जोन बनुड़ो पड़कन दियो बनुड़ो जोनी बनुड़ो नौ दियो भी बाप जी रे हाथे हाथे बेटो सिंगर थियो खुदरड़ा किया जग वो खेखारो लोडियो दोनों रही जोनियर एक बींद राजा रो जोनियर उज्जैन नगरी रे हमें चार तरफ धुआं धोर खंखरोल हो गयो हैंग लो देखन लगा। अरे अरे कैलाश भाकर माता भगवान शिव जी पंडित जी नावे इन मतलब 33 करोड़ देवी देवता जोन में भिड़ा वेला इन कानो आखे उड़े हाँ तो अब कई सखी सहेलियों पार्वती जी कई सखी हुई बे हाँ मैं जावे बीन ने निरखण वास्ते जोन ने देखना रू जितने ने तो बो कई जिस बा खंख मौली पड़ी ना समास्ता धापा देना डोकरो माँ देव जी और नौ जी देखो ओले ओले ठोरा बंद हमें बहुत सखियो और जूदरो आयो उन टाइम पूछो रे मसोनिया बाबा तू अटने आयो है कटी से जॉन आवती देखी भगवान शंकर के कहो जॉन के हाँ आई खांडी हिंग लगान बॉन्डी पोस्ट तक पूरी जॉन ही जॉन देख ले और बंदरों निरखनो भाई तो आ बैठो उन टाइम रे कहो बाबा मुंडे मो शुद्ध बोलो अटे हिमाचल द्वार है और ठोकना हरू किया तो कोंकड़ तक हजीम बे कीजे हो कटाई तो धारा नौ दिया जाए इन कटाई थे जे हो नहीं तो हिमाचल रहते मोटी ला फिर कड़ा भरड़ पड़िया है बाबा तेरो खबर भरा दे पर तो मुंडे में शुद्ध बोल भगवान महादेव जी के खबर भरा दे बा ला फिर रोंदी के हरू है मारा हरू तो रोंदी है यानी वो सखियों ने कह जॉन देखनी है तो पूरो ही खांडी हिंग लगान बॉन्डी पूछ तक आ जॉन ही जॉन बंदड़ो निरखना तो आप बैठो बाकी तुम्हें जॉन कोई हरी कोई बने देखियो जो ने कोई भोंग हली पीड़ी है पागल है तो पागल ने हमें के कह उन टाइम है सखियो मटी खड़ी होगी देखो जॉन ला रहे आई पिंटे हम निरखना जीते एक ने तो बाप जी के नौ दिए ने के नौ दिया थोड़ा माला नेम रो टाइम हो गयो इन गणो माला फेर लो भगवान शिव जी ध्यान ले मां बैठा बिन टाइम में माला फेरने आप समाधि ध्यान लागियो बिन टाइम ओ कालो वासन गले रे मो हजारो फण कर पुरन फुफकारो काटन डुको और मुकुट रे मोई वो पानी रो बालो तो बेई हो गंगा रो उन टाइम में बस सखी विचार कियो बाबू है तो बेटो कोई जादू करो हमें यो करो इन बल गिर ठोको भाटा और जातो रही डोकरी आल पर नापी जातो रही ने रावले हमें क्यों पर भूंडो लगा दे और कह बड़ाइयों के हूँ जॉन हूँ हूँ बींद रज हूँ तो अब सकी बाटा फेंकना हरू किया नौ दिए लो ही जॉन कर दियो भगवान माला फेर पर घड़ी दो घड़ी हूँ पाता जागा माँ दे दी बिन टाइम नौ दियो बो खून हूँ लत पर हेड़ो और बाप जी ने कह महाराज पन्नी जनी पीड़ वेजना तमें एक लाई जाइयो मैं हूँ है जो को खान बिड़ो हूँ नहीं आलू मेरो हालत देख लो भगवान महादेव जी कह रहे नौ दिया भाई करो सेण करो कड़कन दियो करो कड़कन दियो करो मेरे है जो को तो ये अट मस्करियो करी तो ते मैं करी कोई मैं बींद राजा में कोई करनी हुए नहीं यानी कोई मैं मुत करना रहा इन कारण थोड़ी भाई है तो रह रहे जवान में पड़कन बिन्नो दोरो है नौ दियो कह बाबा आई बाटो कुटीज कुटीज मेरे पड़कन आज बिन्नो उनको काल पन्नी जी ने पीड़ हुआ एक लाई जॉब भगवान महादेव जी देखे बिन टाइम हाथों नहीं बाप नौ जी जगह जगह खून लत पत बाप जी थोड़ा क्रोध आ जाए क्या देखो सखियो नौ जी ने फाटा फेंके उन टाइम ने मैं बाप जी एक बबू तेरी सिमटी फेंके और मैं जीती सखियो ही हैंग बोबियों घूमे जो घूमन ढोगी कोई तालियां पीटे कोई नाचे कूदे इन प्रकार पागल टाइप होगी पार्वती जी ऊपर धरो के हम बैठा हा और वहां सखी और हालत देखी बिन टेम आपने हसो आयो ओहो कोई सखी हमें की हुई है क्या डोक जी हाँ उन टैल मोए पार्वती जी री माँ कहो बड़े हसी है वो होने री किरण वजह बींद फूट रो आयो है जो को बींद देख नसी है जलम दी मरी कोनी मारे घर रो भूडो लगा दियो उन टाइम में पार्वती जी मैंने विचार करे बाप जी लीला रोने ध्यान को नहीं तो ऊपर रात्रि टाइम ही
ओले एक जाबरन किनी ठाई को बंदियो सीधा डोगरो बैठा न दिए सवारी ओडा पर नौ दिए कने बट फुगे जान कयो बाबा करो कयो अटे हमार थाने पलना ही फेरा फेरो थाने फेरा खावना पड़ी डोगरो का खा ले कना नटियो कई हूं खा ले कई तू खा ले उन टाइम पार्वती जी के बाबा कल ही मत करो अट थोड़ो भूडो लागी के त्रिलोक नाथ भगवान महादेव जी पंडित जी नया नया वो नया ऐ जटा मुकुट बडोड़ा ऐ राख भपंड होड़ा ऐ कई तरह तरह का काला नाग गले में लीवड़ा और ये नालत में आया हो थोड़ा अट भूडो लागी नहीं तो थे यो करो हैंग देवी देवता आपरी हाजरी में बैठा है बन बुलाओ पूरा देवी देवता आप जोन रहे मैं जोनी वेला फोटरा बंदरा बिनो दो घड़ी द्वारा बिन प्राण फेरा खा लो पद भले ही बाबा बिन जाइयो शंकर भगवान कह सती जी जो कि दूजे जन्म में पार्वती जी हा पार्वती जी ने कह तू जा जा हमार कोई कह के कमारी बिंद्रा जाऊ बात करे पार्वती जी पासी आवेरी और डोगरी जो पासी एक बबूदरी सिमटी फेंके पिंटे में जो कि सखी कूदे ही पासी हैंग सही हो जाए आप गिर जान बह जाओ धूड़ी बींद राजा ला रहे मारा तेरो बंदरो को निरखनो नहीं अठिने भगवान शिव जी पंचणो सख पूरे संघ पूरे और ऐसो तेती सोरो मेलो अटे इकट्ठो हो गए हैंग देवी देवता आप आवर भी मोड़ ले प्राणा टाजर हो जा कि आज भगवान शिव जी आप इन जान रमाय बुलाव है ऐ ब्रह्मा जी ऐ भगवान विष्णु जी अनेक देवी देवता ऋषि मुनि अट हैंग हाजर हो जा और आन के बाप ती क्यों याद किया जब कह भाई अट मन फेरा फिरना है मेरे ब्याह हो इनका फन जोन में बुलाया तो बाप जी ने देखो फूटरा बंदरा बनावे तेल पीटी करे और कई तरह रो श्रृंगार करे और अट जोन सड़ावे देखो बाल से ढोले न तो है तो ले रुआ नंदीश्वर असवारा हो प्राण बाप जी देखो पंडित जी ने वास्ते उज्जैन रही सीमा चले द्वार माता आन हजर हुए बट समरिया में लावे बाप जी ने सासू जी होनर थाल ले प्राण बाप जी की आरती करने वास्ते आई देखो पौनारी जो ही हाउ जी आरती करे हा और एकदम आप रूप पलटायो पाँच पहल गल दी बाबू बिन गया और गले रे मोए सैस फणोरो वासंग फुफकार मारी बिन टाइम हाउ जी रहा तमो थालियां छूट गया बिन टाइम पार्वती जी हड़े इशारो करे करो के ओ बाबा थोड़ी जे तो हावल मरो कनी अरे थे फेरा फेरो जी तेना पास भलाई बाबा बिन जाइयो पार्वती जी ने शंकर भगवान पास इशारे में कहे क्या तू हमें घना ही समझायो मने बिन टाइम के मैं देखो पासो आप रूप सही बिने पासा बंदड़ा देखो और बाप जी बट फेरा फेरे और पार्वती जी ने दो अंदाज जो लेपरा अठो दादा अपने उज्जैन नरेश हिमाचल जी जो को दाज जो दे बिने दे पार्वती जी लेपरा पासा कैलाश भाकर माते आवे है इन प्रकार भगवान कैलाश पति रो व्यावलो पूर हो गए है बोलो मायापति महादेव की जय हो मात गिरिजा की जय हो सियावर राम सुंदर जी भगवान की जय हो पवन सुत हनुमान की जय हो आनंद कोटि संत महापुरुषों की जय हो आज के आनंद और मंगल की जय हो।